दगड़ियों, पहला कैसा आप सभी लोग, आई होप किसी भी बढ़िया होंगे। तो दगड़ियों, मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों, मैं घर में हूँ और घर से फिर और कहीं जा रहा हूँ दोस्तों। अभी भी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने ननिहाल, है ना। तो कल मंजू की शादी से हम आ गए थे दोस्तों, और पीयूष भी आया था हमारे साथ। तो आज पीयूष को मैं ले जा रहा हूँ ननिहाल दोस्तों। पीयूष की मम्मी वहीं पर है, यानी कि मेरी मौसी, और कल सुबह ननिहाल से चले आएंगे हल्द्वानी को। तो आज पीयूष और मैं जा रहे हैं दोस्तों अपने ननिहाल। अरे नाना, कल देते ना पीयूष। अरे नाना, अरे पीयूष पीयूष, अरे नाना दे देना वहां जाके। हां आप ही, उसने नहीं कहा। अरे नाना, मैं क्यों बोलूं ऐसा उछाड़ बोल, सीधा चुपचाप रख लिया का। चलो फिर चले, चलो संजय हैं। हाजी नुसे सुन, हां दी नाम 10 रुपए दे, जा जल्दी 10 रुपए दे दे, जा फोन मत सुन, जा फोन 100 रुपए दे, ना जा खुला ले जा फिर माकोट। अरे चल माकोट, तो आप ये ले जा, लिया मिल गई है। चल टॉफी हम की बिस्कुट तो ले जा, ले माकोट। क्यों ले जा? ओए मम्मी जा रहे हो का फोड़े है? मैं कहीं ले जा पे? तू ले ले मोटो बड़ी। मैं बाटा बोलते ना आतीन। चॉकलेट हो गई, जल्दी जा। मैं कहीं ले जानी? चल जा ले जा। नहीं ले जा, आपको कॉल कर दूंगा। मैं कहीं ले जानी? बेशरम। नहीं ले जाऊंगा मैं। बेशरम। अम्मा इमोशनल हो गई। अम्मा इमोशनल हो गई। चलो अब आ जालू, चलते हैं दोस्तों। जा रहा हूँ मैं ननिहाल को। ये ऐसी घुमाई चल रही है आजकल मेरी, मतलब एक दो दिन घर में, फिर एक दो दिन कहीं और, एक दो दिन घर में, फिर एक दो दिन कहीं और। ना तो और दोस्तों, अभी फिलहाल टाइम हो गया है शाम के 3:30 दोस्तों। 3:30 बजे हम जा रहे हैं ननिहाल को। दोस्तों आप खेतों में धीरे धीरे करके देखो, हरियाली भी लगने लग गई है। कुछ दिन पहले दोस्तों हमने यहाँ पर खेतों में गेहूं बो रखे थे, लेकिन देखो आप हल्की फुल्की हरियाली जगह जगह पर आपको दिखाई दे रही होगी। ओहो, कहाँ पे? अच्छा ठीक ठीक पहला बाय ठीक है बाय ठीक चल जल्दी चल। आज इसको ननिहाल लेके जा रहा हूँ मैं। कल को फिर वहाँ से हल्द्वानी है पीयूष। हाँ, फिर कब आएगा? यहाँ तो वो गया मेरा कोटा खत्म, अब वहाँ कोटा खत्म करते आता है। आगे जाओ स्कूल में, जू जाक स्कूल पे आगे जाओ, वैसे वाला आएगी। हाँ। अच्छा ठीक ठीक। दोस्तों सामने वाले गांव में बारात है, वहाँ पर देखो गानों की आवाज भी आ रही होगी, और वहाँ पर देखो टेंट हाउस भी लग रखा है। और दोस्तों आज वहाँ पर है लड़की की शादी, और जिस लड़की की शादी है उसने और मैंने दोस्तों दोनों ने हमने साथ में ही पढ़ रखा है। मेरी क्लासमेट थी दोस्तों। मेरा कदिन होला। छप 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 दोस्तों मेरी क्लासमेट थी, उसी अवसर में एक छोटा सा डांस तो मेरा ही बनता है ना, भले ही न्यूता नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं, डांस बनता है। और बाकी यहाँ पर देखे दोस्तों सारे स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं। सामने देखो हमारे सारू भाई, शिवम भाई, उनकी मम्मी, और ये खुड़ियारी के भी है कुछ लोग। ओके भाई बाय। को आज ही ओके ओके बाय, कल सुबह मिलेंगे। कल तो छुट्टी है? कल छुट्टी है। चल ठीक है। ओहो आ गए हो, बाय बाय। ओए
आशीर्वाद। ओहो अरे जूझा वो। और गोपाल भाई ठीक छा आगे छा स्कूल पे हैं? चलो बढ़िया बढ़िया। अरे ये कुछ दिया डबल रोल है मैं तो सीधी बस रहेगा डबल रोल को ये ममता मौसी चल छु। अरे मैं ये कुछ नहीं है डबल रोल है सेम सेम दिखनी नीचे के ये जा पहला हक होय चाचा ऊपर होय पहला बचियो ना जी बहुत दूर हो आ चाचा वहाँ कोटे कोई फंक्शन फंक्शन आज तो कुछ नहीं है जरा ये भाई को छोड़ के आना था वहाँ। पांचवा टॉफी पांचवा बिस्कुट दे दियो पे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर महीने भर में आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करते रहता हूँ है ना, और खासकर तो मैं मामाअर्थ के ज्यादा प्रोडक्ट यूज करता हूँ, चाहे फेस के लिए हो गया हेयर्स के लिए हो गया। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया मामाअर्थ का न्यू प्रोडक्ट जो कि है मामाअर्थ का फेस वॉश दोस्तों, एलोय जेंटल फेस वॉश विद एलोवेरा एंड ग्लिसरीन फॉर नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन। दोस्तों इसको नॉर्मल पर्सन और सेंसिटिव स्किन वाले पर्सन दोनों लगा सकते हैं अपने चेहरे पे है ना। मेड सेफ है, सोप फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री है, इससे दोस्तों कोई भी फ्रेगनेंस नहीं आती है ना। और बैक साइड आप इस प्रोडक्ट के देखोगे तो एलोवेरा सूथ करता है स्किन को और ग्लिसरीन हेल्प करता है स्किन को हाइड्रेट करने में और जेंटली क्लीनलेस करता है। बाकी दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ सकते हैं। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों सारे केमिकल फ्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स है। आपको मैं मामाअर्थ की कुछ अच्छी खासियत बताता हूं। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे केमिकल फ्री नेचुरल प्रोडक्ट्स है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, और इसकी एक और सबसे अच्छी बात की है कि इंडियन ब्रांड है। मामाअर्थ हैज लॉन्च्ड देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड यूजर गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और आपको ये फेस वॉश दिखाओ तो मैं, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा जेली फॉर्म में है ना, ये देखिए, और पूरा एकदम फ्रेगनेंस फ्री है, इससे कुछ भी फ्रेगनेंस नहीं आती है। तो दोस्तों अब मैं यूज करता हूँ मामाअर्थ का ये एलोय जेंटल फेस वॉश है ना, जो कि मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है। और आपको पता ही है कि ये फेस वॉश एलोवेरा एंड ग्लिसरीन के मिक्सर से बनाया गया है। तो आपको पता ही है कि एलोवेरा फेस के लिए कितना लाभदायक होता है, जो कि फेस के डार्क स्पॉट और पिंपल्स को क्लीन करने में मदद करता है, और ग्लिसरीन मदद करता है स्किन को हाइड्रेट करने में और जेंटली क्लीनलेस करता है। तो आप चले फिर फेस वॉश को यूज करते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड UTTRA20232 गेट 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट। एंड मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, मामाअर्थ के ऐप और मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे, और साथ में आपके नजदीकी ऑफलाइन स्टोर्स में भी। सो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से स्पॉट किए। और मामाअर्थ की एक और सबसे अच्छी बात कि जब भी आप मामाअर्थ से किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर दिया जाता है ट्री के साथ जो कि वो प्लांट करते हैं, और मामाअर्थ एम कर रही है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का बाय 2025। सो बी आर पार्ट ऑफ दिस गुड इनिशिएटिव। थैंक यू। तो मंजिल चेहरा है तेरा, तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। जितनी ये लाइव हमने भी देख रखी है ना, बच्चे कहीं तक बैठे हमको कम नहीं है। स्कूल ड्रेस में हो कहीं भी बैठे सही बात, उनसे टिकट नहीं लेते हम। अच्छा अच्छा अच्छा, 50 किलोमीटर चले। अरे बहुत बढ़िया, मेरा ये अपना वसूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, गलत कर रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, 50 किलोमीटर चले हो, बहुत बढ़िया। तो ये दाजू हमारे दोस्तों बेरी नाक के हैं, तो इनका कहना है कि हमने भी स्कूल लाइफ रखी है, तो जितने भी स्कूल की वर्दी में हमें लोग बच्चे दिखेंगे है ना, तो उनसे हम टिकट नहीं लेते हैं करके। और दादी हमारे आ रहे हैं हल्द्वानी से, और दादी रहने वाले बेरी नाक के। वैसे आदि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी शॉप भी हमारे वास्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। तो दादी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दादी का कहना है कि हम स्कूल के बच्चों से टिकट नहीं लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत। और ये बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों इसी स्कूल से, मैंने ही पढ़ा है नौगांव स्कूल से। अच्छा है ना। हाँ, नौगांव स्कूल से मैंने ही पढ़ा है। तो मेरे को एक साल हो गया 12th pass कंप्लीट करे हुए। अच्छा, तो जब मैं 12th में था तब से मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो अभी फिलहाल उसमें 1.5 लाख होने वाले हैं। अच्छा, 1,46,000 हो गए। बढ़िया। हाँ, बस हमें यहाँ तक जाना ही है। यहाँ से ऊपर को मेरा ननिहाल है ना। अच्छा अच्छा, तो आज मैं ननिहाल जा रहा हूँ अपने। ओके दादी, बाय। ठीक है, आप भी यूट्यूब पे आओ, पक्का देखना आप जरूर। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, उत्तराखंडी, उत्तराखंडी व्लॉगर। ठीक हो गया। ओके,
तो ये एक रोड गई है मेरी ननिहाल की तरफ को, लेकिन ये रोड सक्सेस नहीं हो पाई, ये लैंडस्लाइड में दोस्तों पूरी रोड बिगड़ गई है। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इस रोड को कैसी बन रखी थी करके, है ना, तब से मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर ये, और आपको भी दिखाऊंगा कैसी बन रखी थी। लेकिन मतलब बन तो सही रखी थी, लेकिन फिर क्या करें, लैंडस्लाइड हो गई। तो आपको पता ही है दोस्तों कि पहाड़ों में ये बहुत दिक्कत हो जाती है लैंडस्लाइड से, ना जब भी कहीं नई रोड बनती है तो कहीं की मिट्टी बहुत नरम होती है, उसके अंदर पत्थर नहीं होते, तो पूरी मिट्टी ही नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर इस साइड की जो मिट्टी थी, यहाँ पर पूरे चट्टान वाली पत्थर टाइप के नहीं थे वो, अगर पत्थर होते तो पत्थर से सपोर्ट बना रहता ना, लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे पत्थर थे, वहाँ की मिट्टी पूरी नीचे आ गई। लैंडस्लाइड से दोस्तों ये मंदिर भी चला गया, लेकिन अंदर से तो है दोस्तों, ऊपर से पूरी छत चली गई इसकी, लेकिन देखो ना अंदर का पूरा बच रखा है। तो ऊपर दोस्तों आप मिट्टी का घर देख रहे हो ना, ये दीमक का घर है। ये पहुंच गए हम दोस्तों गांव में, देखो ये है मेरे ननिहाल का पूरा गांव, लेकिन हमें इस साइड को जाना है, हमें जाना है जो ऊपर के रोड कट रखी है। अब इस लॉन्ग कट से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि वहां का रास्ता तो पूरा बंद हो रखा है। तो एक रास्ता गया है गाँव तक के लिए, ये रास्ता है अकेले मेरे नाना नानी के घर तक के लिए। अरे पीयूष आप मागोट आ रहे हो? ओ पीयूष आप मागोट आ रहे हो? अरे पीयूष आप मागोट जा रहे हो तू? अरे पीयूष ते मागोट हौल बाया रे रे या मुसूर बिरो मुसूर विशाल तेरे हॉबी भी मार दे रे, यहाँ खाद ले खिंचा रे, यहाँ परसो परसो इतने सारे बेड़ तोड़ ले दोस्तों मैंने, देखो इतने बढ़िया बेड़ लग रखे लाल लाल, वाव। लेकिन आप खत्म हो गए। परसों दोस्तों हम मंजू की बारात में इस रोड से गए थे धोनेली, और धोनेली जो वहां पर आप पहाड़ देख रहे हैं, जो लास्ट वाला पहाड़ है उस पहाड़ से पहले वाला पहाड़ जो पड़ता है ये, इसके पीछे साइड को थी मंजू की शादी, मतलब मंजू का गाँव वहां पर पड़ता है धोनेली। पहला बच्चा वा बढ़िया। ओहो तो अरे बानर थन बोल लो। अच्छा मैं ना को गुरीना हूं, मैं ना कोई सिलेंडर लेने वाली थी। अरे अपन पहला बजिया बजिया हो भैया, उन्हें आज दौड़ आज दौड़ यहां घर बन जाए घर बो भाई। तो मेरे को जी न्यूज़ में जो मिली ना ना वन जाए जी न्यूज़ में जा रही, मैं न्यूज़ में तो दिन आ गई थी। कितना खुला खुला लग रहा है यार, ये सारे फूल के पेड़ काट दिए क्या? हाँ यार नमस्कार। कहाँ चढ़े हुए पहला? ठीक ठाक। अरे तुम्हें ये केके लग रही है, आ रही हो मकुनी के बदली बदली लागन पिलर लगा रही है तुम्हें? हाँ अरे जीत रहो बढ़िया लागनो, चुनमुन सब करिया तुम्हें बड़ अच्छा। दिवाली में करो के? अरे वाह वाह अरे वाह टाइल लगाई पहला। हाँ ठीक ठाक। अरे तुमने तो गजब कर दिया यार, टाइल वाइल लगा के पूरा रंग चुना करके एकदम वाह, सच में मतलब आप लग रहे हैं ना बढ़िया वाला। ये हुई बात, अबे आप करने लग गए मामी सफाई साफ सफाई थोड़ी। अब मामी थोड़ी साफ सफाई में रहने लग गई दोस्तों। पहला ठीक ठाक, खुश रहो आजाद रहो आवाज रहो कब जीते रहो जानते रहो, ये इतना आशीर्वाद देते देख बुबू ने आते ही जीते रहो। ये देखो इसे वैसे तो फोन में बहुत बोलती है, बहुत बात करती है मेरे से, आप क्यों नहीं बोल रही नमस्ते? देख फिर मैं तेरे चिज्जी लाया, चिज्जी दूंगा जी तो नहीं दूंगा, एक सैंड पेपर लाऊंगी ना। अरे क्या लाया मैं तेरे, पहले नमस्ते पहले नमस्ते नमस्ते नहीं बोलेगी? ले फिर ले क्या करूं पहले। अरे शर्म आ रही है दोस्तों, यहाँ पर बच्चे आ गए हैं केला खाने के लिए। मैं दोस्तों लिगुड़ता से केले लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों डेढ़ 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 दर्जन केले लेकर आया हूँ मैं, है ना। लो एक आपके लिए, ये लो ये लो ये लो। बाकी दोस्तों यहाँ पर मौसी खाना बना रही है, और कल को हल्द्वानी जा रहे हो फिर? कल को निकल लोगे? ओहो
लेकिन टोपी अच्छी लग रही है यार तुम्हारी, मेरे को लेके जाना कल को। मेरे को दे देना। कितनी प्यारी लग रही है, तुम हल्दानी से नहीं ले लेना। ये जो पहनने वाला होता है ना वो भी प्यारा होना चाहिए। तो मैं भी तो प्यारा हूँ फिर, तुम्हारी शक्ल में कहाँ से लग रहा है ये देखो छी छी। अभी फिलहाल दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और बाकी यहाँ पर मैं किचन में बैठ रखा हूँ। मामी बना रही दोस्तों यहाँ पर रोटियाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये है दोस्तों हमारी मामी लोगों का चूल्हा, है ना। शायद मैं आपको व्लॉग में पहली बार दिखा रहा हूँ ऐसे खाना बनाते हुए। ये रात का दोस्तों डिनर यहाँ पर बन रहा है अभी। यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल नाना और नानी दोनों बैठ के यहाँ पर टीवी देख रहे हैं और कुछ खाए भी जा रहे हैं दोस्तों चुपचाप। क्या खा रहे हो ये? शाट खबन का खिलाड़ देख दे मैं। ये देखो ये देखो, अच्छा दुकान है चूड़ चन के नाना मना खानी गजब को कह का छाव जा लागो लो। बोल हीरा बोल, क्या छतेरा मन में, दिल की बात बोल, क्या छतेरा मन में, किले छे रिसाई तू, क्या बात है लुकाई तू, बोल हीरा बोल। अली झुमका पैरोली मेरो पहाड़ न बाना, झुमका पैरोली भलिए लगेली झम लगेली मेरे पहाड़ न बाना, झुमका पैरोली। चलो हो गया, बहुत हो गया। डांस करके वैसे शरीर में थोड़ी गर्माहट आती है ना, थोड़ा फिर गर्म लगने लग जाता है। लेकिन अभी वो वाला फील नहीं आ रहा ना, वो डीजे में लगा हुआ अलग ही फील आता है। मुंह से गाने में उतना अच्छा डांस नहीं होता है।